ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आप सभी को वेद पंडित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल चमकते किस्मत में स्वागत है। दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां बताते हैं जिससे आप सभी को इससे लाभ मिल सके। दोस्तों हमारी यही कोशिश रहती है कि हमसे जुड़े प्रत्येक दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ खुशी के साथ जीवन व्यतीत करें। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आप माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में कैसे स्थायी रूप से रोक सकते हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल है और माँ किसी भी स्थान पर ज़्यादा समय नहीं रुकती हैं। इसलिए दोस्तों हमें कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होता है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर सके। दोस्तों माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में भ्रमण करती हुई जाती हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरती हैं। आपने भी अक्सर यह महसूस किया होगा कि अचानक घर में बहुत तेज़ी से धन का आगमन होने लगा है और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगी है, उसमें ज़्यादा लाभ मिलने लगता है। लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर पहले जैसा चल रहा था वैसा ही फिर होने लगता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि बाज़ार में मंदा हो गया है, इस वजह से ज़्यादा व्यापार नहीं चल रहा है और यह समझ भी नहीं पाता है कि हमारी कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं कि जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमें हमारे घर में आकर वापस चली गई हैं। हमें बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें जिससे आपको हमारी बताई जानकारी पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों हमें कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों जब आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगे और आपके घर में तेज़ी से धन का आगमन होने लगे और घर में खुशहालीपूर्ण माहौल रहने लगे तो ये समझिए कि माँ इस समय आपके घर में विराजमान है। बस इसी समय आप कुछ खास बातों को ध्यान में रखें जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करने लगे। घर में आप मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना बनाएं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मांस मदिरे का सेवन घर में करते हैं तो ना करें और मदिरे का सेवन घर में बिल्कुल भी नहीं करें और घर में एक शुद्ध घी का दीपक शाम के समय घर के पूजा घर में अवश्य ही जलाएं और कपूर पर 2 लौंग रखकर थोड़ा देसी घी डालकर घर के मंदिर में और पूरे घर में घुमाएं। घर के दरवाजे पर कोई अगर मांगने वाला या साधु आए तो सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दक्षिणा दें। कोई भूखा व्यक्ति दिखे तो उसे भोजन अवश्य ही कराएं। घर में मकड़ी के जाले शनिवार के दिन साफ करें। टूटे बर्तन रात को घर में नहीं रखें, बर्तन धोकर ही सोएं। सुबह उठकर आप अपने बिस्तर को ठीक कर दें। घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति या घर के सदस्य को अपशब्द नहीं कहें। घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने दें। झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाले और जाने वाले की झाड़ू पर नज़र ना पड़े। झाड़ू को सीधी कभी नहीं रखें। घर में यथास्थान झाड़ू का रखने का स्थान बनाएं। जिस जगह झाड़ू संभाल कर रखी रहे झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं रखें। घर में सामान को व्यवस्थित रखें और वहीं रखें जहां सामान रखने की जगह हो, इधर उधर ना रखें। पर्स में चाहे 1 ही रुपया हो वो पर्स रखें। घर में अपने पर्स कभी भी खाली नहीं रखें। घर की तिजोरी खोलने से पहले आप हाथ मुंह धोकर पवित्र होकर तिजोरी खोलें। माँ लक्ष्मी को रोज़ गुलाब के फूल चढ़ाएं और हो सके तो गुलाब का इत्र भी लगाएं। घर के सभी 10 सदस्य रोज़ नहाएं और साफ़ सुथरे रहें। अंधेरा होने के बाद कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोएं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी और आपको जीवन में हर खुशी यहाँ प्रदान करेंगी। बस आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी के सामने दिखावा ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के घर में स्थायी रूप से रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है और जिसने भी माँ लक्ष्मी को अपने यहाँ स्थायी रूप से रोक लिया तो वह व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुँचता है। दोस्तों ये जो बातें हमने आपको बताई हैं ये आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना कर देखें।
आपको खुद ही इसका लाभ दिखने लगेगा। दोस्तों विषय बहुत गहन है, फिर भी आगे इसको हम और भी बताएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी बताई जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखिए। धन्यवाद।